गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल क्लॉथ। जैसा कि आप सभी को पता है, विद्रोही तथा राज हमारा चैप्टर चला हुआ है, क्लास 12 पार्ट 4 एंड 5। जैसा कि आप सभी को पता है कि विद्रोही तथा राज का चैप्टर चला हुआ है, ये सारा का सारा लेसन किससे रिलेटेड है बेटा, 1857 रिवॉल्यूशन से। और सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, कई बार विद्यार्थियों से हमारा कुछ विद्यार्थी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देख पाए होंगे किसी कारणवश, और कुछ विद्यार्थियों ने देख भी लिया होगा, तो इसके लिए किसी भी विद्यार्थी को कोई घबराने की बात नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उसके अंदर लिंक को देखेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक दिखाई देगा, जिसे कि आप पता कर पाएंगे कि आपने इसमें क्या पढ़ा है और क्या नहीं, तो उसके बारे में पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं विद्रोही तथा राज में जो कुछ बातें थी, इसका पार्ट 4 पढ़ रहे हैं हम, 4 और 5 में डिस्कस करेंगे कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं। कल जैसे कि हमारा लेसन था, हमने पढ़ा था कि उसके मुख्य केंद्र क्या है और किसने उसका नेतृत्व किया, और यह रिवॉल्यूशन किस स्थान से कितने बजे शुरू हुआ और किसने किसका नेतृत्व किया। अब बात करते हैं बेटा अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं में, जो अवध की बात करते हैं, अवध में किसका नेतृत्व था। एनी स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, कल पूछा था, बताया था, राइट, किसका था, वाजिद अली, बिल्कुल राइट, आपका आंसर राइट है, वाजिद अली। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को भी एक दूसरे से जोड़ दिया। किस किस ने, जो वहां के तालुकदार थे, किसान थे और सिपाहियों को पीड़ाओं ने, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि भी उनके दुख इतने थे कि उनके दुख देखने के बाद उनको समझ में आ गया कि कौन कैसे क्या करना चाहिए। उनकी पीड़ाओं ने, जो वहां के राजकुमार थे, तालुकदार थे और किसान वर्ग था, और सिपाहियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया। अब बात करते हैं ये फिरंगी राज क्या है। फिरंगी, ये सभी फिरंगी राज के आने को एक दुनिया के पतन के रूप में देखते थे। फिरंगी राज का क्या अर्थ है, कोई एनी स्टूडेंट्स बता देगा। फिरंगी उनको कहा गया है बेटा, अर्थात अंग्रेजों को। किसको? अंग्रेजों को। ये सभी फिरंगी राज के आने को एक दुनिया के पतन के रूप में देखते थे, अर्थात वो देखते थे कि यहां पर तो अंग्रेजों का राज हो गया। फिरंगी का क्या, अंग्रेज लोग, जैसे कि आप, एक फिल्म भी आई है हमारी, आप लोग अच्छी तरह परिचित हो गए, आमिर खान की फिल्म थी लगान। लगान में देखा होगा आपने, क्रिकेट का मैच होता है फिरंगियों के बीच और हिंदुओं के बीच, फिरंगी लोग कौन होते हैं, अंग्रेज, समझ गया। उसको देखो, अब पिक्चर तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन उसके टाइटल को भी समझे, कई बार बहुत बातें सीखने को मिलती है कि किसमें क्या है। तो ये सभी फिरंगी राज के आने को एक दुनिया के पतन के रूप में देखते थे, भी दुनिया का पतन होने वाला है क्योंकि वहां पर अंग्रेजों का राज आ गया, तो फिरंगी को अंग्रेजों से जोड़ दिया गया है। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ, जब अवध का अधिग्रहण हुआ, उससे सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं गई। उससे क्या कहना है, जब अवध का अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं गई बल्कि तालुकदार भी लाचार हो गए, अर्थात जो वहां पर तालुकदार थे वो भी लाचार होने लगे। उनको भी समझ में आ गया कि उनकी पोजीशन कहां पर है और वो क्या, किस नेतृत्व में है। अब बात करते हैं इनकी जंगीर, किले बिखर गए, किसके, तालुकदारों के। क्यों, जो इनकी जंगीर समझते हैं सभी विद्यार्थी, जो उनकी पूंजी, जमीन, जायदाद जो भी थी, सब कुछ बिखर गया।
इनका नियंत्रण खत्म हो गया, अर्थात इनका कंट्रोल भी खत्म होना शुरू हो गया। अंग्रेजों के आने से पहले, जब अंग्रेज आए उनसे पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, अपने किले में होते थे। हथियारबंद का अर्थ क्या होता है? जिस ऐसे सिपाही जो परमानेंट उनके पास रहते थे, अर्थात सिपाहियों की बहुत सारी टुकड़ी जो हथियारबंद थी, अर्थात अपने पास हथियार भी रखते थे। अंग्रेजों के आने के पहले ही तालुकदारों के पास हरियाणा हथियारबंद सिपाही भी होते थे। जब ये सिपाही तो होते थे, लेकिन ये कहाँ रहते थे? वो वहाँ उसी किले में ही रहते थे। किस में रहते थे? उसके किले में ही, उनके किले में ही रहते थे। बड़े तालुकदारों के पास, जो बड़े बड़े तालुकदार थे उनके पास 12,000 पैदल सिपाही थे। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी सोचने की बात है कि जो तालुकदार थे उनके पास लगभग 12,000 सिपाही थे। कोई आसान बात नहीं है, 12,000 आज के समय में किसी गांव की जनसंख्या होती है, लेकिन तालुकदारों के पास तो वहां 12,000 सिपाही थे, अर्थात उनके पास पैदल सिपाही 24 घंटे अनिवार्य थे और परमानेंट वहीं रहते थे। जो छोटे तालुकदार थे, ये तो बड़े तालुकदार थे राजा महाराज, जो छोटे तालुकदार थे उनके पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी थी। इस लेसन को मैं बारीकी से इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे सभी के सभी लेसन अच्छे से करते हैं, लेकिन श्योरली है कि इस लेसन से लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, सॉरी हाँ 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ही पूछा जाता है, जो बातें इसमें बारीकी से लिखी गई है कि बड़े तालुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सिपाही थे, जबकि छोटे तालुकदारों के पास 200 सिपाहियों की टुकड़ियां, 200 सिपाहियों की टुकड़ियां थी बेटा। और उस समय जो टुकड़ी में संख्या थी, एक टुकड़ी की कितनी थी? 30। कितनी थी? 20। छोटे तालुकदारों के पास 200 सिपाहियों की टुकड़ी थी, और उस समय जो टुकड़ी में संख्या थी बेटा वो थी 20। अर्थात जो 200 सिपाहियों की टुकड़ी का मतलब, और प्रत्येक टुकड़ी की संख्या थी लगभग 20। अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग कर दी। अंग्रेजों ने क्या किया? इनकी सेना को भंग कर दिया और दुर्ग नष्ट कर दिए गए। दुर्ग क्या है? किले, इमारतें, उन सब को भी नष्ट करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? इनकी सेना को तो भंग करना ही था, और उसके जो किले थे, दुर्ग थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी, उसको भी नष्ट कर दिया गया। अधिग्रहण के बाद 1856 का समय आया। 1856 की एक मुख्य बात हो रहा है, अवध का विलय। क्या हुआ था? अवध का विलय। आप आगे पढ़ेंगे भी, 1856 में एक मुस्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। जब यह अधिग्रहण का समय आया बेटा, उसके बाद 1856 में एक बंदोबस्त चला, एक मुस्त बंदोबस्त के ने ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। ब्रिटिश ने क्या किया? भू राजस्व। भू राजस्व का अर्थ क्या है? कि अपनी भूमि के ऊपर भी कर लगा देना, वो व्यवस्था लागू कर दी। और 1856 में क्या हुआ था एनी स्टूडेंट्स? अवध का विलय भी हुआ था। जैसे ही एक मुस्त बंदोबस्त था, उसी प्रकार स्थाई बंदोबस्त भी लागू किया गया था। जिस समय स्थाई बंदोबस्त लागू किया गया वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, 1793 में। एक मुस्त बंदोबस्त है और दूसरा क्या था बेटा? स्थाई बंदोबस्त। क्या है? स्थाई जो ये एक मुस्त बंदोबस्त है, स्थाई बंदोबस्त है, ये अलग अलग है, लेकिन ये सन आने के बाद
मैंने इसको बता दिया क्यों आपके पता है, जो भी इतने भी डेट पूछी जाए सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब उसको बुरास्ता कर दिया गया, अंग्रेजों का कहना था कि तालुकदारों ने, अंग्रेजों का क्या कहना था कि तालुकदारों ने अपनी सेना के बल पर जमीन कब्जा कर ली। अंग्रेज क्या मानते थे कि जो तालुकदार है उन्होंने अपनी सेना के बल पर ही जमीन को कब्जा कर ली थी, इनका कोई हक नहीं था। क्या कहते हैं अंग्रेज, कहते हैं कि तालुकदारों ने सेना के बल पर जमीन पर तो कब्जा कर लिया परंतु इनका कब्जा करने का कोई हक नहीं था। किसका? तालुकदारों का। ये कौन कहते हैं? ये फिरंगी लोग कहते हैं जो अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने एक मुश्त बंदोबस्त, एक मुश्त बंदोबस्त के तहत इन्हें भूमि से बेदखल कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, एक बंदोबस्त लागू किया 1856 में, और इस बंदोबस्त के तहत उनको भूमि से भी बेदखल कर दिया गया। किसको? एनी स्टूडेंट्स? तालुकदारों का। आप लोग समझे इस बात को, बी सीरियस हो गए। अब तालुकदारों के पास 67% गांव थे जो सिर्फ 80% बचे थे। तालुकदारों के पास 67% गांव थे जो सिर्फ 88% बचे थे, बाद में वो भी हाथ से जाते रहे। उन्होंने क्या कहा, जो गांव बचे थे 88% उसमें से 67% गांव तालुकदारों के पास थे, लेकिन वो भी हाथ में से जाते रहे। आप इस पॉइंट का मतलब समझे कि टोटल कितना था, 88% तालुकदारों को मिले, 67% गांव, लेकिन बाद में वो भी उनके हाथ से जाते रहे। किसके हाथ से बेटा? तालुकदारों के हाथ से। अंग्रेजों का मानना था कि जमीन, जो अंग्रेज थे वो मानते थे कि जमीन तालुकदारों से छीन कर किसानों को देंगे। अंग्रेज क्या मानते थे, भी जो जमीन है, भूमि है, वो तालुकदारों से छीन लें और किसानों को देंगे, जिससे किसानों का शोषण में कमी आएगी, राजस्व बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? अंग्रेज क्या चाहते थे, भी जो किसान है भी उनको जमीन दे देंगे तालुकदारों से छीन कर, उससे क्या होगा, किसानों का शोषण में कमी आएगी और राजस्व बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि वो उसके ऊपर क्या लगाना शुरू कर देंगे, टैक्स। क्या कर देंगे बेटा? टैक्स अर्थात कर लगाना शुरू कर देंगे, कर लगाना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार उसमें कमी आएगी और उनका राजस्व भी बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा और किसानों का शोषण होगा, क्यों किसान लोग इतने पैसे नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ राजस्व, वहां शोषण में कमी नहीं आई। लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो वहां पर राजस्व का शासन था वहां पर कोई भी कमी नहीं आई। तालुकदार जो तालुकदार थे उनके द्वारा भी किसानों का शोषण किया जाता था, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि कुछ तालुकदार किसानों का शोषण तो करते थे, अंग्रेज भी करते थे, लेकिन कुछ तालुकदार, पता लगता है कि कुछ तालुकदार दयालु भी थे। दयालु कैसे थे कि वो बुरे वक्त में क्या करते थे, किसानों की सहायता करते थे। क्या थे? कुछ तालुकदार क्या थे? दयालु भी थे। क्यों दयालु थे? क्योंकि वो क्या करते थे, बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। लेकिन अंग्रेजों से किसानों को मदद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो अंग्रेज थे उनको किसानों को मदद की उम्मीद नहीं थी, किसानों को मदद की उम्मीद नहीं थी। जो वहां पर अंग्रेज थे उनको किसानों से मदद की 1% भी ऐसा नहीं था कि उनको उम्मीद हो। बहुत से तालुकदार अवध के नवाब में निष्ठा रखते थे, अर्थात जो तालुकदार थे वो अवध के नवाब में निष्ठा अर्थात विश्वास भी रखते थे। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर
मैंने कल परसों विद्वत बताया, लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। मैंने आपको बताया था कि पुस्तक के अंदर जो लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल, इसके नाम में थोड़ी करेक्शन है बेटा, इसका पूरा नाम आता है बेगम जीनत हजरत महल। सभी विद्यार्थी जीनत जरूर लगाएं, ये पहले का ही पढ़ा हुआ है मुझे भी, बेगम जीनत हजरत महल के खेमे में भी ये शामिल। तो पहले के तो हजरत महल के खेमे में भी ये बातें शामिल होती थी। और नाउ डिस्कस, लेट्स स्टार्ट अगेन, रिपीट इट। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये सभी फिरंगी राज के आने की एक दुनिया के पत्र के रूप में देखे खड़े हुए। फिरंगी राज का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है एनी स्टूडेंट्स? राइट, फिरंगी कहते हैं अंग्रेजों को। किसको कहते हैं? अंग्रेजों को। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपने टीवी के ऊपर लगान फिल्म देखी आमिर खान की, उसमें फिरंगियों के बीच और भारत के लोगों के बीच में क्या होता है, मैच होता है, फिरंगियों में कहते हैं ना फिरंगी है। तो अंग्रेजों के लिए यूज किया गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की गद्दी नहीं गई बल्कि तालुकदार भी लाचार हो गए। इनकी जागीर किले बिखर गए, इनका नियंत्रण भी खत्म हो गया। अंग्रेजों के आने के पहले तालुकदारों के पास जो हथियार बंद सिपाही होते थे अपने किले से ही होते थे। बड़े तालुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सिपाही थे, ये कोई छोटी बात नहीं है बेटा। आज के समय में 12,000 किसी गांव की जनसंख्या होती है, लेकिन मुगल काल में उस समय भी 12,000 पैदल सिपाही हर समय किले में रहते थे। लेकिन जो छोटे छोटे तालुकदार होते थे उनके पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी होती थी। कितनी? 200। सिपाहियों की टुकड़ी होती थी। अंग्रेजों ने इनकी सेना को भंग कर दिया और इनके दुर्ग भी नष्ट कर दिए गए। अंग्रेजों ने अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। बंदोबस्त दूसरा भी लागू हुआ था, स्थायी बंदोबस्त जैसा कि दिखाया है 1793 में, और इसका नेतृत्व किया था किसने लागू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कार्नवालिस। इसका नाम भी यहां राइट कर देते हैं। लेकिन जो ये स्थायी बंदोबस्त है और ये एक मुस्त बंदोबस्त है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। एक मुस्त बंदोबस्त में तो अंग्रेज चाहते थे कि किसानों पर भू राजस्व लगाकर उनका शोषण किया जाए, उनका टैक्स बढ़ा दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों का मानना जमीन तालुकदारों से छीनकर किसानों को देंगे जिससे किसानों का शोषण होगा, कमी आएगी और राजस्व बढ़ेगा, था तो उनका टैक्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ राजस्व वहां शोषण की कमी नहीं आई, लेकिन वो बुरे वक्त में भी किसानों की मदद करते थे। इसलिए कुछ तालुकदार वहां पर क्या थे? दयालु भी थे। कुछ तो शोषण करते थे, शोषण तो अंग्रेज भी करते थे, लेकिन कुछ तालुकदार क्या थे बेटा? दयालु भी थे। क्यों दयालु थे? क्योंकि वो बुरे वक्त में किसानों की सहायता करते थे। लेकिन अंग्रेजों से किसानों की मदद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों से किसानों को उनसे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन तालुकदार से थी। और तालुकदार अवध के नवाब में विश्वास रखते थे। अंग्रेजों से लॉ लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। मैं आपको फिर बता रहा हूं,
कि बेगम का पूरा असली नाम है, मैंने पहले ही बहुत बार रिपीट किया है, बुक में दिया हुआ है, बेगम हजरत महल, लेकिन इसका पूरा नाम है बेटा बेगम जीनत हजरत महल। ये मैंने भी पढ़ा हुआ है, पहले मैं पढ़ता था जब ग्रेजुएशन में, तो आप इसका पूरा नाम नोट करें क्योंकि सारी पुस्तकों में सेव बेगम हजरत महल दिया होता है, इसका पूरा नाम है जीनत बेगम हजरत महल। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और सभी विद्यार्थी आप पिछली वीडियो में जाकर इसका प्रीवियस का डिस्क्रिप्शन लिंक भी देख सकते हैं, कोई विद्यार्थी नहीं देख पाए तो आप उसके डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में जाएं और उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पिछली वीडियो का लिंक दिखाई देगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम स्टे सेफ।